हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल रेहान अली ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फिल्म हंटर क्लब, जो कि 2018 में आई थी और अभी इसे हिंदी में भी रिलीज़ कर दिया गया है, तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। फिल्म एक एक्शन एंड थ्रिलर है। फिल्म में मेन लीड एक्टर्स हैं जेरार्ड बटलर, जिन्होंने समरीन कैप्टन का कैरेक्टर निभाया है। फिल्म को डायरेक्ट किया डोनोवन मार्श ने। तो ये फिल्म की कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेन रिव्यू। और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में डब्ल्यू सभी मूवीज़ की अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। फिल्म हंटर क्लब एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और फिल्म में अच्छा खासा थ्रिल हमें देखने मिलता भी है, और फिल्म में एक्शन भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं फिल्म से उतना एक्शन हमें देखने मिलता भी है। और फिल्म की कहानी भी काफ़ी इंगेजिंग है, जिसमें हमें देखने मिलता है कि रशियन प्रेसिडेंट को उन्हीं की आर्मी के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और अमेरिका के और रशिया के बीच एक वॉर छेड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन अमेरिका उस वॉर को रोकने के लिए अपनी नेवी सील और समरीन को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजती है। तो एक अच्छी कहानी है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और फिल्म का स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है, जो 2 घंटे तक आपको बिल्कुल भी बोर होने नहीं देगा। और उससे भी अच्छी बात है, इस फिल्म को आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, क्योंकि फिल्म में कोई भी एडल्ट सीन नहीं है। और इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिलती है 6.6 out of 10, और आप इस फिल्म को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। अगर आप फ्री में इस फिल्म को डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फिल्म को कहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और रिव्यू के साथ।